हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस अगर आप लोगों के पास एक लो एंड पीसी है और आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर गेम प्ले की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट गेमिंग स्क्रीन रिकॉर्डर बताने वाला हूं जिसको यूज करते हुए आप लोग अपनी गेम प्ले वीडियोस को कैप्चर कर पाओगे। गाइस वीडियो में फर्दर मैं आप लोगों को जो स्क्रीन रिकॉर्डर बताने वाला हूं उस स्क्रीन रिकॉर्डर के अगर हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इस स्क्रीन रिकॉर्डर में आप लोग 60 FPS पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद हाई क्वालिटी। गाइस इस स्क्रीन रिकॉर्डर में आप लोगों को कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलता, ये फ्री टू यूज है। उसी के साथ इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब आप कितनी बड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। इसमें गाइस कर्सर को हाईलाइट करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, साथ ही में आप लोग को जो कर्सर के साउंड होते हैं वो भी मिल जाएंगे। इस वाले स्क्रीन रिकॉर्डर में गाइस आप लोग अपनी वॉइस के साथ साथ अपना जो गेम का साउंड होता है या फिर सिस्टम का साउंड होता है उसको भी आप लोग कैप्चर कर पाओगे। गाइस सबसे कूल फीचर जो स्क्रीन रिकॉर्डर का है, जिसकी वजह से मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करता हूँ अपनी वीडियोस को कैप्चर करने के लिए, वो ये है कि इसमें आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ साथ वीडियो एडिटर भी मिल जाता है। जब आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वीडियो एडिटर में डाल के आप लोग अपनी फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो में फर्दर मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं कि आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है और कैसे आप लोगों ने इसको यूज करना है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि कैमटेशिया स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। इसको कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने इसको यूज कैसे करना है। जैसे गाइस आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दो शॉर्टकट होम स्क्रीन पे मिल जाएंगे, एक होगा रेड वाला एंड सेकंड वन होगा ग्रीन वाला। जो रेड वाला होगा जिस पे कैम रिकॉर्डर लिखा होगा इसको यूज करते हुए हम लोग अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे जो ग्रीन वाला शॉर्टकट होगा जिस पे कैमटेशिया 2019 लिखा होगा इसको यूज करते हुए हम लोग अपनी वीडियोस को एडिट करेंगे। सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों ने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है, तो इसके लिए सिंपली आप लोग कैम रिकॉर्डर पे डबल क्लिक करके इसको लॉन्च करेंगे। और जैसे गाइस आप लोग इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी कुछ सेटिंग्स हैं उनको कस्टमाइज कर लेना है। इसके लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे टूल्स में आएंगे और टूल्स में यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले गाइज आप लोगों के पास जनरल वाली टैब मिल जाती है। यहाँ पे ये जो चेक्स मैंने लगाए हुए हैं सिंपली आप लोगों ने भी ये लगा लेने हैं। उसके बाद अगर हम लोग इनपुट में आते हैं तो यहाँ पे गाइज आप लोग 30 FPS को चूज करेंगे। जब आप लोग इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो बाद में आप लोगों को 60 FPS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग अपने माइक्रोफोन जो भी आप लोगों के सिस्टम के साथ माइक लगा होगा अगर आप लोग उसको कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग अपने माइक्रोफोन को चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग माइक को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो डोंट रिकॉर्ड माइक्रोफोन क्लिक करेंगे तो आप लोगों का माइक्रोफोन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद गाइस अगर आप लोग अपने सिस्टम की ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस चेक को ऑन कर देना है। गाइस सिस्टम ऑडियो हम तब ऑन करते हैं जब हम लोग कोई भी गेम प्ले कर रहे होते हैं, तो जो गेम का साउंड होता है उसको हम लोग सिस्टम ऑडियो कह सकते हैं। अगर आप लोग अपने गेम के साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप लोग इस चेक को ऑन करके रखेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई भी वेबकैम अटैच हो और अगर आप लोग अपने कैमरा से आपका फेस कैम है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको आप लोग यहाँ से उस कैमरा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस जो मेन सेटिंग है वो यहाँ पे शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ भी हॉटकीज वगैरह असाइन करनी होती हैं। सबसे पहले जो हमारी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड एंड पॉज करने के लिए शॉर्टकट की होगी, मैं यहाँ पे कंट्रोल पी को यूज करता हूँ, आप लोग कोई भी की वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे मैं कंट्रोल ई को यूज करता हूँ। जैसे कंट्रोल ई को हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो एंड हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मार्कर का ऑप्शन होता है। मार्कर से गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पे कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, आप लोगों को इसमें मार्कर सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल एम की यूज करता हूँ। स्क्रीन ड्रा का मतलब यह है कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी शेप बना सकते हैं। इसके लिए मैं मोस्टली जो शॉर्टकट की यूज करता हूँ वो है कंट्रोल डी। उसके बाद आ जाता है सिलेक्ट रीजन का ऑप्शन, तो आप लोग इसके लिए कोई भी की रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंट्रोल आर को रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है हाइड ट्रे आइकॉन, इसका मतलब यह है कि गाइस जब आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का जो ये रिकॉर्डिंग वाला आइकन होता है वो यहाँ पे शो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये जो सिस्टम की ट्रे होती है इसमें मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसके जो मैं की यूज करता हूँ वो है कंट्रोल एच। उसके बाद गाइस अगर आप लोग प्रोग्राम्स में आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाले जो चेक्स होंगे इनको ऑन कर देना है। इसमें लास्ट पे आता है एक मिनिमाइज वाला सेक्शन, इसमें आप लोगों ने सिंपली इफ रिकॉर्डर विल बी रिकॉर्डेड को आप लोगों ने चूज करना है और यहाँ पे मिनिमाइज टू में आप लोगों ने सिस्टम ट्रे को चूज कर लेना है। इससे जैसे ही आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का जो रिकॉर्डिंग वाला वो जो आइकन होता है वो सिस्टम ट्रे में मिनिमाइज हो जाएगा। तो गाइस ये आप लोगों ने
टूल्स वाली सेटिंग्स करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप लोग अपने फुल डिस्प्ले को कैप्चर करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग कोई भी कस्टम स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप लोग वो जो डिस्प्ले है यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जितना भी आप लोग अपना डिस्प्ले कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग उसकी बाउंड्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन आ जाता है, अगर वेबकैम भी आप लोग अपना रिकॉर्ड करना चाहें तो इस वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे ऑडियो ऑन का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप लोग अपने माइक्रोफोन को रिकॉर्ड करना चाहें तो यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो डोंट रिकॉर्ड माइक्रोफोन पे क्लिक कर देंगे। सिस्टम ऑडियो वही गेम का साउंड होगा, उसको अगर आप लोग रिकॉर्ड करना चाहें तो इसको यहाँ पे आप लोग ऑन कर देंगे। इस तरह से गाइज ये वाली सेटिंग्स करने के बाद आप लोगों ने सिंपली रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फुल डिस्प्ले होगा वो कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग कोई भी गेम वगैरह खेल रहे हो या जो भी कर रहे हो तो वो यहाँ पे आप लोगों का रिकॉर्ड होता जाएगा। उसी के साथ गाइज अगर आप लोग अपने स्क्रीन पे कुछ ड्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को मैंने शॉर्टकट की बताई थी Ctrl D। Ctrl D से आप लोगों के पास यहाँ पे एक मार्कर आ जाएगी जिसकी मदद से आप लोग कुछ भी अपनी स्क्रीन पे ड्रा कर सकते हैं, कोई भी चीज हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप लोग यहाँ पे कोई भी शेप अगर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। जब आप अगेन Ctrl D प्रेस करेंगे तो ये जो मार्कर होगी वो गायब हो जाएगी। सो गाइज इस तरह से जब आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो आप लोगों ने सिंपली Ctrl E को प्रेस करना है तो हमारी जो फाइल है वो फाइनलाइज होके तो हमारा जो Camtasia वीडियो एडिटर है उसमें ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे जैसे गाइज आप लोगों की रिकॉर्डिंग फिनिश होगी तो यहाँ पे आप लोग अपनी फाइल को एडिट कर पाओगे, जैसे भी आप लोग एडिट करना चाहें इस पे एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज Camtasia वीडियो एडिटर में वीडियोस को एडिट करना बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके अलावा इसमें प्रोफेशनल लेवल के जितने भी एडिटिंग टूल है वो सभी आप लोगों को यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, ऑडियो के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, साथ ही में काफी सारे फिल्टर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग Camtasia सर्च करेंगे तो Camtasia की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ से गाइज आप लोग फ्री ट्रायल भी इसका ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास पैसे हो, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग इसको परचेज करने के बाद इसको आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं, सभी फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बट गाइज अगर आप लोगों के पास बजट ना हो, आप इसको परचेज नहीं कर सकते तो आप लोग इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब पे आप लोगों को काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोग इसको फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। गाइज बताने को वो चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता सकता था बट वो चीज यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है। सो आप लोग गाइज इससे आगे समझदार हो कि आप लोगों ने इसको कैसे एक्सेस करना है फ्री में। सो गाइज फिर भी अगर आप लोगों का Camtasia से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।